दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने के लिए आया था युवक। नवगछिया परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर महादेवपुर गंगा घाट पर स्नान के लिए आए युवक मधेपुरा जिला के चौसा थाना क्षेत्र अरजपुर सोनबरसा निवासी साधु भगत के पुत्र सोनू कुमार 20 वर्ष गंगा नदी में डूब गया है। युवक के गंगा नदी में डूब जाने के बाद गंगा घाट पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। युवक के डूबने के साथ ही उसके साथ आए दोस्तों ने हल्ला करना शुरू किया, लेकिन जब तक लोग सक्रिय हो पाते वह नदी में डूब गया था। युवक के डूब जाने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना परबत्ता पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर परबत्ता पुलिस मौके पर पहुंची। वही पुलिस ने शव की तलाश के लिए एनडीआरएफ को सूचना दी। वही तत्काल युवक के शव की खोज स्थानीय गोताखोर के द्वारा शुरू करवाया गया, लेकिन देर शाम तक युवक का शव बरामद नहीं हो पाया था। युवक के डूबने की खबर मिलते ही उसके परिजन भी गंगा घाट पहुंच गए थे। मृतक के पिता साधु भगत ने बताया कि गांव में शिव मंदिर है। सोमवारी के अवसर पर वह मंदिर में जल चढ़ाने आया था। सोनू अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान के लिए निकला था। उन्होंने कहा कि घर में उसे गंगा स्नान करने के लिए आने से मना भी किया गया, लेकिन वह नहीं माना और जिद करके गंगा स्नान के लिए चलाया आया। पुत्र के गंगा नदी में डूब जाने से उसका रो रो कर बुरा हाल था। सोनू उसके दो पुत्र में छोटा पुत्र था। बड़ा भाई विकास कुमार और एक बहन देवी देवी सहित माँ कंचन देवी का भी रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि सोनू इंटर का छात्र था। इस बार उसका दाखिल करवाया गया था। भागलपुर सिटी से जिला चीफ ब्यूरो नीलांबुज कुमार झा की खास रिपोर्ट। महादेवपुर घाट है, ब्रह्म स्थान है, जो खरी कंचल अंतर्गत पड़ता है और थाना परबत्ता पड़ता है। इसमें अरजपुर सोनवरसा थाना चौसा जिला भाग मधेपुरा से ये अपने कुछ लड़का के साथ दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने आए थे, जिसमें सोनू कुमार पिता साधु भगत ग्राम अरजपुर सोनवरसा थाना चौसा जिला मधेपुरा नहाने के क्रम में डूब गए और डूबने की सूचना मिलने पर तुरंत हम लोग पूरे दल बल के साथ यहाँ पर आए तो स्थानीय गोताखोर के द्वारा जो है लोकल गोताखोर के द्वारा जो है इसकी खोजबीन की जा रही है, खोजा जा रहा है और इसकी सूचना सभी वरीय पदाधिकारी एवं आपदा प्रभारी भागलपुर को भी दिया गया है। आपदा प्रभारी भागलपुर द्वारा बताया गया कि एसडीआरएफ टीम जो है वो भागलपुर से चल चुकी है, इसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.